क्या रहा है चोरी में? देखिए 602 ए ब्लॉक गोखंडी मंत्री आवास में रहते हैं, विगत 13 वर्षों से रह रहे हैं, कहीं कभी कुछ नहीं हुआ। हम लोग ताला बंद करके यहाँ से जाते हैं और ताला खोल करके आते हैं, कभी कोई कुछ नहीं छेड़छाड़ हुई। लेकिन ये पहली मर्तबा कल की रात में, जो आज की रात की पहले वाली रात है, उस रात में कोई चोर यहाँ पर इसका बाहर का ताला तोड़ा, फिर इसके बाद अंदर के कमरे का तोड़ा, फिर इसके बाद एक सेफ का ताला तोड़ा, फिर इसके अलावा जिस कमरे में मैं सोता हूँ उसमें संयोग से अभी हमारे यहाँ शादी हुई थी तो बहू बेटा हमारे आए थे, तो एक हफ्ते पहले रह के चले गए, तो उसमें कुछ सामान वामान था, लेकिन वो ताला काट नहीं पाए, अंदर वाले कमरे का ताला नहीं काट पाए। और तब तक एक ड्राइवर हमारा रहता है, वो ड्राइवर आया, उसने देखा कि अंदर से बंद है, तो उसने खटखटाया, नहीं खोला, तो उसने फ़ोन किया हम पे, तो हमारे गनर ने बताया कि नहीं, हम लोग तो यहाँ मध्य प्रदेश चुनाव में आए हुए, हम लोग नहीं है। बोले चाबी किसी को दी? तो नहीं, चाबी नहीं हमने किसी की दी। तो बोले फिर कोई अंदर घुस गया, तो ये हुआ कि उसको देखे रहो किस तरीके से, तो वो नीचे अपना बताने आताने कहीं चला गया, और तब तक चला गया। हमने 100 नंबर पे हमारे एक साथी ने फ़ोन किया और तत्काल पुलिस आई यहाँ पर, तत्काल पुलिस ने संज्ञान भी लिया और संज्ञान लेकर के उन्होंने उसका मौका मुआयना किया। फिर हमसे बात किया कि आपके मकान में ऐसे ऐसे हुआ है, हमने कहा हम वहाँ हैं नहीं, हमें जानकारी मिली है कि हम रात तक पहुँच जाएंगे, पहुँच करके बताएंगे कि क्या सामान गया। तो सामान में जो हमारे बगल का एक कमरा है उसमें एक सेफ है, उसमें थोड़े 8,000 रुपये रखे थे, बाकी कागज़ हमारे सब रिकॉर्ड रहता है वो रखा हुआ था, तो वो तोड़ के ले गए। लेकिन वो सुरक्षित आवास में चोरी की घटना तो बड़ी चौंकाने वाली, बड़ा आश्चर्यजनक है, कभी ऐसा होता नहीं है, कभी यहाँ नहीं होता, यहाँ गार्ड वार्ड सब बाहर रहते हैं। लेकिन अब जिनकी ड्यूटी यहाँ पर है, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है रात की ड्यूटी की, वो लोग सब लापरवाही करते हैं।